जाना जाता है। नई पहचान व मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए यहाँ के लेटेस्ट तकनीक से इलाज भी किया जाता है। आइए सोमेरा न्यूज पर हम आपको सास की डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन की जुबानी आपको सुनाते हैं। नेशनल लेवल पे 22वें नंबर पर रैंक करा। इस रैंकिंग में दो ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रैंकिंग में है, पहला मौलाना आजाद और दूसरा डेंटल कॉलेज इंदौर। चूँकि हमारा कॉलेज का जब सर्वे हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो हमने उनको बताया कि हमारे कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट में वहाँ पीजी चल रही है, हम इम्प्लांट भी करते हैं, हम लेजर भी करते हैं, हम मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा भी करते हैं। जिस तरह का उन्होंने डिटेल मांगा था हमने पूरा उनको दिया। हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है, पब्लिकेशंस हमारे ज़्यादा हैं। हर फैकल्टी को हमने पब्लिकेशंस के लिए बाध्य कर रखा है। और अभी भी मध्य प्रदेश में जितने चिकित्सा महाविद्यालय, उसमें शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के पब्लिकेशन नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल की सबसे अधिक है। इन सब को देखते हुए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने देखा, उन्होंने हमारे कार्य पद्धति को देखा, नंबर ऑफ पेशेंट को देखा, हमारी क्लासेस कैसे हो रही हैं उसका उन्होंने आकलन किया, हम सेमिनार्स कैसे ले रहे हैं, क्लिनिकल टीचिंग कैसे कर रहे हैं, पेशेंट कितने आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों का आकलन करके उन्होंने मध्य प्रदेश के एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय को रैंकिंग किया है। ये इसके लिए हमारे यहाँ की फैकल्टी, हमारे यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब ऑटोमोन सोसाइटी के, हमारी मध्य प्रदेश सरकार और सारे छात्र एवं छात्राएं बधाई के पात्र हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस रैंकिंग को और इम्प्रूव करें। उसके लिए जैसे ये महामारी कोविड जैसा आप सब लोगों को पता है ख़त्म हो जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे इस महाविद्यालय को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएँ, बाहर की यूनिवर्सिटीज़, बोस्टन यूनिवर्सिटी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसको एफिलिएट करें, वहाँ से फैकल्टी यहाँ आए, यहाँ से फैकल्टी वहाँ जाए, वहाँ से स्टूडेंट यहाँ आए। स्टूडेंट एक्शन प्रोग्राम और फैकल्टी एक्शन प्रोग्राम हमारे जहन में है। हमने यहाँ तीन सब्जेक्ट में पीएचडी चालू कर दिया है, 9 सब्जेक्ट में पीजी चल रहा है, बीडीएस की सीटें हमने बढ़ा दी हैं, 63 इंटेक कर दिया है। और इस बार हम चाह रहे हैं कि कुछ मशीनें जैसे माइक्रोस्कोप हम एंडोडोंटिक्स में लाना चाहते हैं, इससे रूट कैनाल बहुत आसान हो जाए, इम्प्लांट हम खरीद रहे हैं, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उनके लिए हम चाह रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग मशीन ले आए कैटकेम, जिससे अगर किसी पेशेंट का जबड़ा टूट गया है और जबड़ा रिप्लेस करना है तो अभी हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में आर्टिफिशियल प्रोसेस से करते हैं। हम चाहते हैं जबड़ा वहीं के वहीं उसको कस्टमाइज करके, स्कैन करके, प्रिंटिंग करके लगा दिया जाए पेशेंट। ये जो डेवलपमेंट होगा ये कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा और इसके लिए हमने भी इसके ऊपर कार्य चालू किया।